हाई स्टूडेंट्स, वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन. दिस इज़ गौरी. सो बेसिकली इस वीडियो में हम सभी लोग मनित अलाहाबाद यानी कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अलाहाबाद प्रयागराज, यहाँ पे जो PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है इस साल के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ के जो नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब होगी, डेडलाइंस क्या है, देन किस सब्जेक्ट्स के लिए आप सभी लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, देन एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. एंड एज वेल सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो, इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, ऐसे भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, ये है मनित अलाहाबाद की वेबसाइट. एंड यहाँ पे देखो अनाउंसमेंट्स सेक्शन में काफ़ी सारे सब सेक्शंस है. सो यहाँ पे आपको PhD नोटिफिकेशन के बारे में एक नोटिफिकेशन मिलेगा. सो यू नो आई विल शो यू ऑल द नोटिफिकेशंस. सो देखो यहाँ पे PhD एडमिशंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24. नाउ ओपन क्लिक हियर. सो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे यू विल गेट अ न्यू विंडो. सो जैसे कि मैंने पहले से ही उसको ओपन करके रखा है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सभी लोग इम्पॉर्टेंट डेट्स देखते हैं क्या है, एंड बाद में हम लोग बाकी सारे सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे. ओके सो इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे है. देखो आप सभी लोग अभी से ही PhD एडमिशन के लिए एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो. सो एप्लीकेशन जो है वो 38 मार्च से शुरू हो गए. देखो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज 38 मार्च, देन क्लोजिंग डेट है 10th मई, यानी कि आप सभी लोग 10th मई तक एप्लीकेशन कर सकते हो. देन लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसीट ऑफ द प्रिंटेड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म है 15th मई. देन डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज 26th में. मतलब जब भी आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, देन आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी सब्सिक्वेंटली वेबसाइट के ऊपर नोटिफाई करेगी कि कौन से स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइबल है एंड कौन से नहीं है. सो बेसिकली वो लिस्ट आपको 26th मई को मिलेगी. देन आपकी जो रिटन टेस्ट है या फिर इंटरव्यू है, ये सब आपका 5 जून से लेकर 16 जून में होगा. ओके देन डिक्लेरेशन ऑफ PhD एडमिशन रिजल्ट होगा 30th जून को. देन लास्ट डेट फॉर सीट एक्सेप्टेंस एंड सबमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट फी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो होगी 5 जुलाई को. एंड डिक्लेरेशन ऑफ PhD अलॉटमेंट वो जो होगा वो होगा 17 मई को. देन आफ्टर दैट सॉरी वो होगा बेसिकली एक सेकेंड और डिक्लेरेशन ऑफ PhD अलॉटमेंट रिजल्ट्स ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स वो होगा 7 जुलाई को. फाइन. देन लास्ट डेट फॉर सीट एक्सेप्टेंस एंड सबमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट फी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वो होगा 12 जुलाई को. एंड फिजिकल रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट ऑफ योर कोर्स, उसका कोई भी डेट अभी तक मेंशन नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने. फाइन. ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो टू द इंफॉर्मेशन ब्रोशर, जहाँ पे सब इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एवरीथिंग. ओके सो हम लोग वो इंफॉर्मेशन देखते हैं. जस्ट वेट फॉर अ मिनट अंटिल द PDF गेट्स ओपन. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली 4 सेक्शंस है. फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स है, देन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स है, देन फैकल्टी और स्टाफ और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फेलो ऑफ मनित अलाहाबाद पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर एंड स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर. सो ऐसे 4 सेक्शंस में कैंडिडेट्स को क्लासीफाई किया गया है. सो बेसिकली जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स है, सो बेसिकली दीज स्कॉलर्स आर एलिजिबल फॉर फिनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ फेलोशिप एट द अप्रूव्ड रेट्स एंड गाइडलाइंस एज नोटिफाइड बाय MHRD फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके देन नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने UGC या फिर CSIR, GST या फिर AICTE ऐसे एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है, ऐसे कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं. देन जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फेलो ऑफ मनित अलाहाबाद है, सो बेसिकली ये पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर होंगे, बट यहाँ के जो कैंडिडेट्स होंगे वो खुद ही पहले से ही मनित अलाहाबाद में होंगे. ओके मतलब बेसिकली वहाँ के जो फैकल्टी है, स्टाफ है या फिर प्रोजेक्ट फेलो है, ऐसे कैंडिडेट्स इस सेक्शन में आएंगे. ओके देन नेक्स्ट इज स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले से ही गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर R&D ऑर्गेनाइजेशंस में पहले से ही काम करते हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ है.
ओके फाइन। सो ऐसे कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पे देखो जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन है। सो अगर आप फॉरेन कंट्री से हो देन यू कैन गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन। देन नाउ एलिजिबिलिटी देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको इंजीनियरिंग में पीएचडी करना है देन आपको ऑब्वियसली आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एंड मिनिमम आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और मास्टर्स डिग्री इन साइंस और अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंसेज या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 75% मार्क्स। ओके देन पीएचडी इन मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए यू शुड हैव 60% मार्क्स इन योर मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट या फिर टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज। और आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री हो इन इंजीनियरिंग विथ अ मिनिमम 75% मार्क्स वो भी चलेगा। या फिर आपके पास सीए होना चाहिए, मतलब यू शुड क्वालिफाई द सी ए एग्जामिनेशन एंड विच हैविंग मिनिमम 3 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स। ओके ये भी चलेगा। देन पीएचडी इन साइंसेस के लिए ऑब्वियसली यू शुड हैव मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ अ मिनिमम 60% मार्क्स। या फिर यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मार्क्स 75%। देन पीएचडी इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में यू शुड हैव एमटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग और यू शुड हैव इक्विवेलेंट डिसिप्लिन और यू नो सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगेन अगर आपके पास रिलेवेंट अगर एमएससी डिग्री हो विथ मिनिमम 75% मार्क्स वो भी चलेगा। या फिर यू शुड हैव बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 75% मार्क्स। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एरिया ऑफ रिसर्च का जो यू नो नोटिफिकेशन दिया है एंड हियर इज अ नोट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स वैलिड जीआरई विल बी एप्लीकेबल इन प्लेस ऑफ गेट और नेट और आईसीएमआर एक्सेट्रा क्वालिफिकेशन। सो जो फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे इफ दे हैव जीआरई देन इट इज एप्लीकेबल। ओके नाउ लेट अस सी नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड रिलेवेंट रिसर्च एरियाज। सो बेसिकली आप अप्लाइड मैकेनिक्स में कर सकते हो एप्लीकेशन। देन अगेन द सेकेंड डिपार्टमेंट इज बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, देन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सेल, देन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ओके सो यहाँ पे सबसिक्वेंट आपको रिसर्च एरियाज भी मेंशन किए गए, सो यू कैन गो थ्रू इट। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो बेसिकली आपको एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से ही फिलअप करने हैं। सो वो हम लोग इस वीडियो में बाद में देखेंगे कि हाउ यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसीजर में दो स्टेप्स है। स्टेप जो वन है वो है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए यू शुड रिक्वायर यूर यू नो एप्लीकेशन आईडी फॉर योर फर्दर प्रोसेसिंग। देन आफ्टर दैट स्टेप टू में आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन पेमेंट करना है। देन जो ऑनलाइन पेमेंट की फीस है वो है 1200 फॉर ओपन ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स एंड 600 है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ओके सो ऐसे करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। एंड अगर आपको एक से भी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेशन करना है देन ऑब्वियसली आपको अलग से उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो जब भी आप ये सब एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करोगे देन आफ्टर दैट आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। देन आपको यू नो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है वो उसको आपको स्टिक करनी है एंड आफ्टर दैट मतलब सब डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर अटैच करनी है एंड देन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को आपको वो हार्ड कॉपी भेजनी है। ओके
सो आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप करना है, यू शुड सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट. सो देखो यहाँ पे नीचे ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का नाम, देन हेड दिया है, हु इज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, देन पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी मेंशन किया है. सो डिपेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट्स एवरीथिंग यहाँ पे जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, सो बेस्ड ऑन दैट आप हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन की विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यू नो पोस्टल एड्रेस पे सेंड कर सकते हो. फाइन, नाउ यहाँ पे जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, सो यू कैन गो थ्रू दिस एज वेल. सो इम्पॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे है कि सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स मस्ट बी फिल्ड फॉर कोर्सेज ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी, ये तो हमने देखा. देन नो सेपरेट एडमिट कार्ड और लेटर विल बी सेंट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर अपियरिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस. ओके, सो बेसिकली आपको कोई भी एडमिट कार्ड वगैरह कोई भी लेटर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. सो ऑल द नोटिफिकेशंस यू विल गेट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इटसेल्फ. ओके, सो ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. यहाँ पे काफ़ी सारी लिस्ट है, जैसे कि आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, प्रिफरेबली आधार कार्ड लगेगा, देन ई रिसीट लगेगी फी पेमेंट की, देन गेट नेट या फिर जाम स्कोर कार्ड इफ़ एप्लीकेबल, देन हाई स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 10 का, ग्रेड और मार्कशीट्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर ऑल सेमेस्टर्स, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ पॉसिबल, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, वो मिलता है इंस्टीट्यूट से हमें, देन लेटर ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप इफ देर इज एनी, देन इंस्टीट्यूट आई डी कार्ड फॉर मी फॉर यू नो MNIT फैकल्टी और स्टाफ, देन लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ, देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर. सो बेसिकली ये नीचे के जितने भी सारे सर्टिफिकेट्स है ये अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स है, मतलब अगर कैंडिडेट्स उस कैटेगरी में आते हैं देन दे शुड प्रोवाइड सच काइंड ऑफ एविडेंसेज टू द यूनिवर्सिटी. ओके, देन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, एंड वो भी थ्री लगेंगे आपको, एंड एज वेल यू रिक्वायर एडमिशन लेटर. ओके, ये सब चीज़ें आपको लगेगी. सो अगेन यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट डेट्स प्रोवाइड किए हैं हमें, सो ये तो हमने शुरुआत में ही देखा था. या सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जामिनेशन डेट्स की कोई भी यू नो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की है. जैसे कि आप एप्लीकेशन फिलअप करते हो, यूनिवर्सिटी को भेजते हो, देन बाद में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे सारे डिटेल्स हमें नोटिफाई करेंगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आपका रिटर्न टेस्ट कब होगा, आपका इंटरव्यू कब होगा, ये सब चीज़ें बाद में यूनिवर्सिटी हम सभी को नोटिफाई करेंगी. सो अनटिल दैट यू शुड वेट. एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, सो बेसिकली दिस आर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड यू कैन गो थ्रू इट. एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूट फी है फॉर ऑल कैटेगरी स्टूडेंट्स सच एज ओपन, OBC, NCL, SC, ST, EWS एंड PWD. सो फर्स्ट सेमेस्टर की फी 43,500 है, एंड ऑल इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स की फी है 38,500, एंड फाइनल सेमेस्टर की फी है 40,500. एंड डे स्कॉलर्स जो होंगे दे हैव टू पे 12,000 लेस इन एवरी सेमेस्टर. ओके, एंड यहाँ पे मेस की फी वगैरह वो भी मेंशन की है, इफ़ पॉसिबल यू कैन गो थ्रू इट. फाइन, या सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने देखा कि आप सभी की रिटर्न टेस्ट होने ही वाली है, बट रिटर्न टेस्ट का जो यू कैन से कि जो पैटर्न होता है वो अभी तक यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सो बाद में यूनिवर्सिटी विल नोटिफाई अस. बट बेसिकली जितने भी सारे PhD एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट तो होता ही है, बिकॉज विदाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी नो वन कैन डू PhD, राइट. सो दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है. सो विद दिस कोर्स बेसिकली आप सभी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते हो विद इन इंडिया. ओके, सो इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों भी यू नो अवेलेबल है. यू विल गेट अ फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट, देन ऑल्सो यू विल गेट 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिविजन PDF. देन ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs. दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ रिविजन PDF आप रिविजन काफ़ी अच्छी कर सकते हो, एंड गारंटीड आपको 80% MCQs इसी में से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन योर रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ओके,
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ओके, सो स्टूडेंट्स, द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़, तो काफ़ी कम है, राइट? एंड स्टूडेंट्स, जब भी आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी तो देती ही है, एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर PhD एडमिशन. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं देन ऑब्वियसली यू कैन डाउनलोड द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द प्ले स्टोर, देन साइन अप योर सेल्फ, देन साइन इन योर सेल्फ, देन गो टू द स्टोर सेक्शन ओवर हियर. देन इन द स्टोर सेक्शन टाइप रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, देन आपको कोर्स का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा. देन गो टू द कंटेंट सेक्शन, देन कंटेंट में काफ़ी सारे सब सेक्शंस है, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स है, नोट्स है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, क्वेश्चन बैंक है, एंड एडिशनल मटेरियल इज देयर, एंड एज वेल थियरी लेक्चर्स है. सो यहाँ पे जिधर जिधर भी फ्री कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है, सो यू कैन गो थ्रू दिस फ्री कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आफ्टर दैट यू कैन बाय द कोर्स. ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट इस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. सो हम लोग देखते हैं कि हाउ यू कैन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म. फाइन, सो स्टूडेंट्स, देखो ये जो पर्टिकुलर यू नो वेबसाइट है, बेसिकली दिस इज फॉर यूअर यू नो एप्लीकेशन टू PhD प्रोग्राम ओनली. सो बेसिकली यहाँ पे देखो, स्टेप वन है रजिस्ट्रेशन. सो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यू कैन गो टूवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन पोर्टल, एंड एक सेकेंड, स्टेप वन इज रजिस्ट्रेशन. आई थिंक द सर्वर्स आर डाउन, एक मिनट. या सो जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, सो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आई हैव रेड द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड कन्फर्म माई एलिजिबिलिटी ऑफ द अप्लाइंग प्रोग्राम. सो यहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स है. सो बेसिकली नेक्स्ट करो, देन अगेन यू विल गेट मोर, देन अगेन नेक्स्ट. या सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फिल अप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, देन मोबाइल नंबर, कैटेगरी, देन प्रोग्राम, डिपार्टमेंट, एंड रजिस्टर यूअर सेल्फ. सो जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, आपको एक यूनिवर्सिटी का मेल मिलेगा, उसमें आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, एंड एज वेल दे विल प्रोवाइड यू द पासवर्ड. सो विद द हेल्प ऑफ दैट आपको क्या करना है, आपको बाद में स्टेप टू पे जाके लॉग इन करना है. सो बेसिकली एप्लीकेशन ID इज़ नथिंग बट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको डालना है. देन यू शुड मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ इंस्टेड ऑफ योर पासवर्ड एंड सबमिट इट. सो जैसे ही आप सबमिट करोगे देन यू विल स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग. ओके, एंड बाद में उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के यू शुड सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. ओके फाइन, सो टाइम एंड वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन ये सब एक्चुअली अभी तक प्रोवाइड नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने, एंड एज वेल जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसका भी कोई भी डिटेल अभी तक हमें मिला नहीं है. सो बेसिकली बाद में वी विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई विल नोटिफाई यू रिगार्डिंग दिस. ओके,